आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में, और ये बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं। और ये जो एग्जाम्स है वो 21 फरवरी से कंडक्ट किए जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्स का प्रोग्राम है वो है MCOM CBS GS, ठीक है। और ये विंटर एग्जामिनेशन है, यानी कि इसका पेपर कोड है 2C00523, और सेमेस्टर 3 का पेपर ये कंडक्ट किए जाने वाला है, ठीक है। यानी कि आपका 21 से पेपर 3, सॉरी सेमेस्टर 3 के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। आप यहाँ पे टाइम टेबल देख सकते हो, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो MCOM का टाइम टेबल आया है ये रिसेंटली आया हुआ है, 16 जनवरी 2023 में आया हुआ है, यानी कि एक दिन पहले आज से ये 21 से आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट आपका कंडक्ट होने वाला और उसका टाइमिंग क्या है। मोस्ट ऑफ दी अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने मॉर्निंग में ही सब एग्जाम को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो 2 आवर्स के पेपर्स है, और टाइमिंग आप देख लीजिए 10:30 से लेके 12:30 तक यहाँ पे होंगे, राइट। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में 20 मिनट पहले ही पहुंचने होंगे, ठीक है। आप 20 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, ताकि आपको सेंटर पता चल जाए, आपका सीट पता चल जाए कि कहाँ पे। तो 10:30 मतलब कि आपको 10 बजे ही पहुंच जाना है, या 10:20 पे भी पहुंचोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉलो कीजिए रूल, 20 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, ठीक है। फर्स्ट डे आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो टाइम टेबल है, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या तो डायरेक्ट लिंक मैंने दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे डेट और पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 फैब से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स ये पेपर होने वाले हैं, एंड 23 में आपका बिजनेस स्टडी कोर्स थर्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, ये कंडक्ट होगा। एंड 23 अगेन देख सकते हो यहाँ पे 23 में अब जो फाइनेंस और मार्केटिंग के बच्चे हैं, देखिए उनके पेपर्स यहाँ पे कंडक्ट होंगे। तो जिसमें आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, देखिए कोर्स 3 है, जिसका कोर्स 3 आपके पास जो सब्जेक्ट्स है उस पे ऊपर लिखा होगा कोर्स 3, ठीक है, या तो आपको सब्जेक्ट तो मालूम ही होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक हो गया, एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, ठीक है, या तो फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, और लास्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। जिन बच्चों ने MCOM के जो दोनों सेमेस्टर दिए उनको मालूम होगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर, तो उनमें भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम यही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें कोर्स 1 होता है और कोर्स 2 होता है। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, इसलिए कोर्स 3 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 27 से सेम यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स 4 होंगे फिर, लेकिन इसके सब्जेक्ट्स के नाम अलग है, जैसे कि ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, या तो लेबर इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एडवांस ऑडिटिंग, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, और इंटरनेशनल फाइनेंस, और इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स, राइट, ये पेपर्स यहाँ पे कंडक्ट होंगे। एंड देन 1 मार्च से आपका जो फोर्थ पेपर है वो कंडक्ट किए जाएंगे, सेम है यहाँ पे, अब कोर्स 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोर्स 5 में आपके पास है बिजनेस निगोशिएशन, ठीक है, मैनेजियल इकोनॉमिक, एडवांस सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट सॉरी मैनेजमेंट, और ऑपरेशनल रिसर्च, ये पेपर्स 1 मार्च को कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपने टाइम टेबल और आपका जो कोर्सेस है, आपका जो सब्जेक्ट्स है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टाइम टेबल देख लीजिए, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए गाइस, ये वीडियो में बस इतनी मुझे अपडेट देना था, और आपका एग्जाम जो है 21 से है, तो आपका जो हॉल टिकट होगा या एडमिट कार्ड होगा वो 7 डेज पहले ही आपको कॉलेज से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी आइडोल से एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 7 दिन पहले ही अपडेट आ जाएगा, ठीक है, आपको हॉल टिकट आने वाले हैं, यानी कि एडमिट कार्ड आने वाले हैं, आपको मेल या नॉर्मल मैसेज भी आ जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।